दोस्तों ये देख सकते हो, ये है सुसुने पहाड़। और आज हम यहाँ पर बेसिकली इसलिए आए हैं कि अभी पिकनिक की सीजन है और यहाँ पर क्या क्या सीन चल रही है, क्या नहीं चल रही है, किस तरीके से आपको आना है, क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगी। और पहाड़ के ऊपर भी चढ़ के दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सीन है, नहीं है, सब कुछ दिखाएंगे। सबसे ऊंचा जो चूड़ा है वो भी दिखाएंगे कि सबसे ऊंचा चूड़ा कितना है, कितना नहीं है, और लास्ट पे कौन सी छोड़ना है सब कुछ दिखाएंगे। जितने भी हिस्ट्री है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी हम आ चुके हैं तो यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा ब्रिज देखने को मिल जाएगी, एक नदी के ऊपर है, तो उसको आपको सबसे पहले तो पार करना होगा सुसुने पहाड़ पे जाने के लिए। उसके बाद सिउलीवोनी नाम का एक छोटा सा मगर एक ब्यूटीफुल विलेज, एक सुंदर विलेज आपको पार करना होगा, जिस रोड पे आपको बहुत ही अच्छे खासे नक्शा घर के साइड पे देखने को मिल जाएगा। A few moments later. उसके बाद दोस्तों सुसुने घुसने की 1 किलोमीटर पहले एक जगह है जहाँ पर सिउलीवोनी वीकेंड स्टे एक नाम की एक होटल है जहाँ पर आप रह सकते हो, मतलब कि स्टे कर सकते हो। आप वीकेंडली जब छुट्टी मिलती है तब आ सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पर जो चेयर बनाया जा रही है अभी वो कुछ अलग लेवल्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी सब कुछ छिलका यह सब जब काटा जा रही है, ये एक्चुअल पे ताल का जो ट्री होती है उससे बनाया जा रही है। तो अभी भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर स्टे करा हुआ है, जो यहाँ पर देख सकते हो फोर व्हीलर पे आई है। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आके स्टे कर रही है, रह रही है, वो टोटली दोस्तों अमीर लोग हैं। और यहाँ पर जितना इंतजाम किया गया है, जितना यहाँ पर सब कुछ इतना हाई फाई लेवल किया है, तो मुझे लग रही है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो रहने की प्राइस है वो ज़्यादा होने वाली है। करीब यहाँ पर पर नाइट 1000 रुपीज़ लेती है टोटली खाना पीना ये सबको जोड़ के। तो यहाँ पर आप नाइट पर भी स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे फैमिली लेकर भी यहाँ पर आके रह सकते हो। तो देख सकते हो सब कुछ जो है नेचर को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पर जो बेड है वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी की है। तो यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आएगा तो उसके लिए एक स्टे होम बनाया गया है जहाँ पर आप पैसे दे के यहाँ पर आप रुक सकते हो। खाने पीने की भी बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजाम किया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक सीन किया गया है यहाँ पर सुसुना पहाड़ से। आपको 1 से 2 किलोमीटर के फंड पे आपको देखने को मिल जाएगी जाने के समय, या फिर आप आने के समय भी देख सकते हो। A few moments. तो दोस्तों अभी हम घुस चुके हैं सुसुने की मेन जगह पे। तो यहाँ पर आप जो साइड पे जगह देख रहे हो, यही जगह पे आप लोग को गाड़ी स्टे करना होगा। यहाँ पर ही आप लोग की पिकनिक प्लेस है जहाँ पर आप लोगों की जो भी रांधना ये सब रहेगी, तो यहाँ पर ही आपको सब कुछ रांधना ये सब पड़ेगी। देख सकते हो ये सब जो खाली जगह है यहाँ पर ही होने वाली है। फंड के साइड पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप सब लोग टीम लेके वहाँ पर सब कुछ ऐसे सब कुछ रांधना ये सब कर सकते हो, ऐसा जगह नहीं है। तो यह सब जगह पर करना होगा। और अभी इसलिए खाली है क्योंकि अभी टोटली पिकनिक की सीज़न आई नहीं है और हम लोग उससे पहले आप लोगों को दिखाने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादातर जो दुकान है वो अभी बंद होकर पड़ा हुआ है। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप सुसुने आ रहे हो पिकनिक आप लोग प्लान कर रहे हो, तो मैं कहूंगा 6 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर यहाँ पर घुस जाना, नहीं तो आपको अच्छे प्लेस नहीं मिलेगी। चाहे आप कितने भी कोशिश कर लो, अच्छे पैसे देकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है पिकनिक की सीजन में। इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से घर से निकलना, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बनाते समय भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर तो जो पत्थर है वो दोस्तों सुसुने पहाड़ से आती है, तो आगे जाकर पता चला कि कहाँ पर से आती है। तो यहाँ पर हम बाइक स्टैंड कर रहे हैं, तो जब भीड़ के समय रहेगा तब यहाँ पर आपको बाइक लेके घुसने ही नहीं देगा, मगर अभी खाली है इसीलिए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मंकी देख सकते हो, वो भी सामने आसपास। अगर आप कुछ खाना देना चाहो तो दे भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाथ हाथ में ले लेती है। पहाड़ पे चढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से पानी की बोतल की दुकान आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, और भी तरह तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो ऊपर साइड पे आपको मंदिर देखने को मिल जाएगी 2-4, और पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो यहाँ पर जाना है वहाँ पर भी मंदिर देखने को मिल जाएगी। तो यही वो मेन चीज़ है जिसके लिए सुसुना फेमस है, वो है ये धारा। यहाँ पर दोस्तों 24 घंटे हर वक्त ऐसे पानी पड़ता ही जाती है, कभी स्टॉप नहीं होता है।
तो दोस्तों ये वही वाटरफॉल है जहाँ पर हर घंटे 24 घंटे हर टाइम यहाँ पर पानी ऐसे झरने के जैसे बरसती है, तो यहाँ पर कभी भी रुकता नहीं है। तो यही इसकी हिस्ट्री है और यही यहाँ पर मिस्ट्री है। तो अभी चलिए पहाड़ के ऊपर चलते, देखते क्या सीन है वहाँ पर। तो दोस्तों चलिए अभी जो पहाड़ की जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार को लेके टोटली मैं सुसने पर 5 बार के ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब हम कुछ दिन पहले आए थे, जब यहाँ पर सुसने टू अख्तसर की जो ब्लॉग हमने दिया था, जहाँ पर शिव जी के माथे पे पानी ढालने के लिए गया था, तो उस ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखे, तो वो भी जाके देख लेना। वो भी एक अलग लेवल की एक्सपीरियंस थी, वो भी एक अलग लेवल की एंटरटेनमेंट थी, तो वो भी जाके देख लेना। ये देख सकते हो यहाँ पर सब लोग बैठा हुआ है, आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतना पहाड़ चढ़ा है, अभी ऊपर और भी ज्यादा है, तो हम हाईएस्ट चूड़ा जो है वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर इतना ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी सीजन नहीं है, मगर जब पिकनिक की सीजन चलेगी तब यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रहेगा कि आप यहाँ पर से जगह नहीं पाओगे ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे डुएल लोग देखने को मिली है, तो वो अलग बात है, ताकि हम तो यहाँ पर सिंगल ही आए हैं, तो ये वो एक अलग बात है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। 2000 years later. दोस्तों ये आप देख सकते हो 257 मीटर अभी भी है, और अगर आप लास्ट पोजीशन पर्यंत तो जाना चाहते हो तो अभी हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, वो हमारी वॉयस सब लोग पता कर सकते हो। तो दोस्तों अभी यहाँ पर और एक ऐसा स्टॉल बनाया गया है जहाँ पर पानी ये सब सब कुछ मिलती है, हमने तो वहाँ पर ले लिया। और अभी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग इतना उठ के आप लोग बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हो, मगर यहाँ पर जो लोग स्टॉल ये सब कराए उनको पार्ट डे ये जो चीज़ है उसको नीचे से ऊपर करना पड़ती है, तो समझ सकते हो कि आप लोग इतना कम मेहनत से आते हो और कहते हो कि बहुत कुछ हो चुके, मगर इनके पास क्या बीतती होगी। A few moments later. तो यहाँ पर पत्थर पे डायरेक्शन दे रखा है, अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो उस साइड पे, अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो इस साइड पे। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल सकती है कि ऊपर भाई ये सब है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा स्टॉल था, मगर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर दिखा दो कि आप लोग बहुत सारे लोग कहते कि ये जो प्रोडक्ट ये सब है यहाँ पर रख के चला जाती है, और बाद में जब ओपन करती है तब सिंपली वो बंदा आके यहाँ पर ओपन करता है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जितना भी प्रोडक्ट है सब कुछ नीचे ले जाता है, और जब ओपन करता है तब यहाँ पर ऊपर लेके आता है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा, और यहाँ पर मेरा पास नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मेहनत हम लोगों को करना पड़ा। और अभी भी ऐसा ही 50% रास्ता और बाकी है, तो मेरी वॉयस आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी फटी होगी मेरा। और ऐसा है हर एक स्टॉल पे ऐसे बैठने की जगह बनाया गया है, जहाँ पर जो लोग ऊपर जा रही है उनको अच्छी तरीके से सेवा ये सब कर सके थोड़ी बहुत पैसा लेके। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया है, आप चाहो तो वो सब जगह पर भी अच्छी तरीके से आप वहाँ पर आराम कर सकते हो। सबसे बड़ी दिमाग हिला देने वाला कल्चर यह है कि यहाँ पर पेड़ों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पैसे को घुसा दिया गया है। ऐसा बहुत सारे पेड़ है, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी यहाँ पर रेस्ट लेंगे हम, क्योंकि बहुत टाइम हम ऊपर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कृपया करके आप खाली पैर या फिर चप्पल ऐसे पहन के मत आओ, यहाँ पर शूज पहन के आओ, वो भी अच्छे वाला, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा तो रास्ता जो है स्टोन से बना हुआ है और बहुत ही उबड़ खबड़ रास्ता है, जहाँ पर आप यहाँ पर से पिछल के गिर भी सकते हो। लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंटरनेट कैसा चलती है पहाड़ के अंदर, बहुत ही ऊपर लेवल की इंटरनेट चलेगी, मगर ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, मीडियम लेवल की चलती है। इतना ऊपर अगर जाओगे उतना अच्छा इंटरनेट नहीं चलती है, बिल्कुल ही जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट मिनिमम चलती है, जैसा कि नीचे ऐसा ही ऊपर में, ऊपर में कोई भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, और यहाँ पर फुल टावर का जैसा कुछ भी सीन नहीं है। 2000 years later. तो सुसुना हिल की बहुत सारे जगह से आप नीचे की जो व्यू है वो आपकी मजा उठा सकते हो, मगर यहाँ पर कैमरा पे इतना अच्छे तरीके से नहीं आ रही है, मगर हाँ आप यहाँ पर अगर आओगे तो आपकी जो आंखों में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी नीचे की जो चीज है। बाकी दोस्तों जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट करते हो वो अभी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा एक गाछ है, ऐसा एक ट्री है, ऐसा एक पेड़ है, जहाँ पर टोटली एक एक अंक के अंदर
पैसे घुसा दिया गया है। देख सकते हो कहीं ने यहाँ पर 5 रुपये की कॉइन, कहीं ने यहाँ पर 2 रुपये की, 1 रुपये की, अच्छी तरीके से यहाँ पर घुसा दिया है। और सभी जो पैसा है वो मतलब कि आप किसी भी जगह पे अगर लेके जाओगे वो नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर टोटली टेढ़े मेढ़े करके लगा दिया गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर यही सब कल्चर आजमाया गया है, देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक उठाने की कोशिश किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा लग रही है। और अभी ये जो ट्री के अलावा भी और बहुत सारे गाछों के अंदर ऐसा लगाया गया है, देख सकते हो कैसा लग रही है, देखने में मजा आ रही है। A few moments later. तो दोस्तों सुसुने पहाड़ की एक ही यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इसकी जो पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो है कि यहाँ पर पहाड़ के अंदर जो जो मन चाह रही है वो कर पा रही है। प्लास्टिक की प्रोडक्ट हर एक जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो नेचर है वो अच्छा नहीं लग रही। हालांकि हमने भी प्लास्टिक बोतल पर पानी खरीदा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फेंक के मैं जाऊंगा, सिंपली वो दोस्तों नीचे भी लेके जाऊंगा। तो अभी हम लोग फर्स्ट नंबर चूड़ा से नाम रहे और सेकंड नंबर चूड़ा के ऊपर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर टोटली सुसुने मतलब कि 3 चूड़ा है और हम अभी 2 चूड़ा का क्रॉस करके आ चुका है और अभी हम और एक पे जा रहे हैं। तो एक उठना पड़ेगा, उसके बाद एक नामना, अभी फिर से और एक उठना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ, यहाँ पर बहुत ही सुनसान जगह है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है और बहुत सारे लोग डरती है कि यहाँ पर टाइगर ये सब रहेगा, बहुत सारे बंदर एक साथ आपके पास हमला कर सकता है, मगर ऐसा सीन नहीं है, आप आ सकते हो। बाकी चढ़ने में मेहनत है और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। अभी भी दोस्तों जो सबसे ऊंचा चूड़ा है उस पे जाने के लिए 206 मीटर बाकी है और वही सबसे बड़ा ऊंचा चूड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी चाहते हो, जिसका मन चाहते हो या फिर जो भी चाहते हो वो उसकी नेम यहाँ पर लिख देना, तो मैं यहाँ पर अपने जो पसंद चीज है वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो वो भी मुझे मिल जाएगा आने वाले साल पे। तो अभी लेके देने वाला हूँ, तो वहाँ पर मेरी भाई लेग रही है और अभी मैं यहाँ पर लेग दूंगा किसी भी जगह पे। पर सभी लोगों ने ऑलमोस्ट अपने आशिक की नेम लग रखा है, जो गर्ल्स बॉयज ये सब की नाम यहाँ पर लिख रखा है, तो हम भी यहाँ पर खाली नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर वान के लेगने वाला हूँ, तो आने वाले साल पे मेरी यहाँ पर वान के कम्प्लीट करा देना, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर वान के जो लिखा है मेरे एक बार आके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहे तो घर से कच में ये सब उठा के ले गया ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा नहीं जा सकती है। किसी ने तो यहाँ पर एक रंग लेके आ चुकी है, तो लेके रखे सब आपने अपने आशिक की नेम। तो दोस्तों यही है सुसुने पहाड़ की सबसे ज्यादा ऊंची जगह, देख सकते हो। तो यहाँ पर पहले एक साधु बाबा रहता था, मगर अभी यहाँ पर नहीं रह रही है, देख सकते हो। यहाँ पर खाने पीने के इंतजाम बहुत ज़्यादा कमी है, तो यहाँ पर कोई इंसान ऐसे रह नहीं सकती है, इतना ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेढ़ा का जैसा बनाया गया, और यहाँ पर कृष्ण जी है और राधा जी यहाँ पर बनाया गया, देख सकते हो यहाँ पर है। और यहाँ पर बहुत सारे बोतल ये सब लगाया गया है, देख सकते हो। और अभी आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि किस जगह पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊँचा स्थान यही है, और यहाँ पर एक माँ की जो है वो पैर की निशान भी यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो यही वो पैर की निशान है जो यहाँ पर है, बनाया गया है, एक्चुअली वो ओरिजिनल नहीं, यहाँ पर बनाया गया है ओरिजिनल। तो यहाँ पर देख सकते हो और दिखा भी देता हूँ कि ये सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान कैसा है। तो यहाँ पर आप सिंपली इस साइड पे जाओगे, तो धीरे धीरे करके अभी तो वो जो समय के साथ अभी मिट चुकी है, मगर अभी यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से देखोगे तो सुसुनिया पहाड़ सर्वोच्च अंश हो, यहाँ पर 1006 मीटर लिखा हुआ है, देख सकते हो। और इधर की साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक झरना टाइप है नीचे, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों यही है वो झरना, मतलब कि झरने के जैसा है, झरना नहीं है, तो अच्छी तरीके से देख लो। तो दोस्तों देख सकते हो, मगर हाँ झरना इसी को कहती है जिस जगह पे हर एक टाइम पे पानी निकलते जाते हो, तो यहाँ पर भी पानी हर वक्त निकल रही है, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है झरना, और अभी हम यहाँ पर आए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की है, यहाँ पर जितने भी आप जंगल देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा काट है, मतलब कि टोटली बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है जहाँ पर हमने एंटर किया। शायद यहाँ पर पुष्पराज भी एंटर नहीं करता, यहाँ पर चंदन की काट जो भी है, मगर एंटर नहीं करता। मगर दोस्तों मैंने एंटर किया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के। तो ये जो चीज़ देख रहे हो ये है झरना, तो इसको देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो।
देख सकते हो आवाज आप लोगों के पास जा रही है। और यहाँ पर एक बैग है जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो एक्चुअली शिव जी के टाइम जब जल लेके अक्सर हो जाती है तब उस टाइम की बैग है। और यहाँ पर भी लोगों ने अपने आशिक के नाम यहाँ पर लेख रखा है, देख सकते हो अच्छे अच्छे। और ये जंगल देख सकते हो कितना ज़्यादा टॉप लेवल की जंगल है भाई। तो दोस्तों साज बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर आप जो चाहो कर सकते हो। तो ये जंगल टोटली खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, टोटली देख सकते हो इसके ऊपर भी खाली है इस टाइम पे। मगर हाँ उस टाइम पे थोड़ी बहुत भीड़ होगा जिस टाइम पे पिकनिक की सीजन रहेगा, मगर अभी टोटली कुछ भी नहीं है, टोटली जंगल ही जंगल है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हो जो आप दिमाग पे सोच रहे हो। अब आपने अपने दिमाग पे क्या सोच रहे हो वो दोस्तों मुझे पता नहीं है, यहाँ पर वो कर सकते हो जो चीज़ आप सोच रहे हो। यहाँ पर जगह है और यहाँ पर पानी है, सब कुछ है, तो ये सब हो जाता है ठीक है। तो साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। तो दोस्तों यही है सुसुना पहाड़ की लास्ट स्टेज, यही है झरना। और यहाँ पर ही दोस्तों जो पहाड़ की जो लहर है वो खत्म होती है और यहाँ पर झरना है। देखने भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर पी भी सकते हो, मैं भी अगर पी के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक पत्थर है और ये देख सकते हो यहाँ पर ऐसे धूप ये सब लगाया गया। और यहाँ पर और एक छेद है जहाँ पर पानी पहले पड़ता था मगर अभी नहीं है, अभी थोड़ी बहुत बड़े पाइप लगाया गया देख सकते हो। अभी थोड़ी बहुत पानी पी के भी दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छा भाई। तो चलिए अभी इसे यहाँ पर रहने देते हैं। तो सब लोग आओ यहाँ पर, भीड़ जमाओ, ये जो पिकनिक की सीजन है यहाँ पर आके भीड़ जमाओ भाई ठीक है। देखता हूँ किसके पास दम है यहाँ पर आने की, देखता हूँ सब लोग आके मुझे टैग करना ठीक है। चलिए दोस्तों अभी जाते हैं। तो दोस्तों चढ़ने में जितना समय लगी थी और नमने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगी, करीब चढ़ने में अगर 100% समय लगी थी तो नमने के लिए करीब 20% समय ही लगेगी आपको, क्योंकि बहुत तेज़ी से आप नम सकते हो और अभी भी हम नम रहे देख सकते हो। तो नमने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगी, जो समय है वो चढ़ने के लिए है ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग टोटली झरने के समीप चले गए हो तो इस साइड पर ना आके आप झरने के साइड उस साइड पर घूम के आप आना, तो बहुत ही कम समय लगेगी और इतना पहाड़ भी आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, तो उस साइड पे आप टोटली निकल सकते हो। A few moments later. अगर आप पिकनिक पे आके पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो तो सही वक्त होती है, आप आके मूढ़ी खाओ और पहाड़ पे चल जाओ, और पहाड़ पे जब नहाओगे तब आके भात खा लेना, तो यही सही समय होती है। क्योंकि दोस्तों खाने पे जाओ और खाने के समय आ जाओ और 3 से 4 घंटे समय लग जाएगी ऊपर पे। यहाँ पर बहुत सारे लोग उस झरने की पानी को सेल करती है उस टाइम पे जब बहुत सारे लोग रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे जल ज़रूर ले लेना क्योंकि वो प्योर जल होती है और उनके घर से चल जाएगी। तो अभी हमारी जो गाड़ी है वो अभी बैक हो रही है, तो यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, मगर पिकनिक के समय ज़्यादा गाड़ी रहेगी, ज़्यादा भीड़ रहेगी। A few moments later. और यहाँ पर अगर आप घड़े पे चढ़ के फोटो खींचना चाहते हो तो उसकी भी इंतजाम है, तो यहाँ पर सिंपल पार्क पे एंटर हो जाना। तो सुसुना के अंदर एक पार्क भी है, तो पार्क थोड़ी बहुत हमारे तरफ से जितना हो सके दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा भीड़ ये सब कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हमारे तरफ से जितना हो सके दिखाने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों इस साइड पे एक पार्क है, तो अभी यहाँ पर टोटली घुसने नहीं दे रही है, तो ज़्यादा कुछ अंदर नहीं है, टोटली खाली खाली जगह है और कुछ भी नहीं है अंदर, टोटली मतलब कि एक फुहारा है और टोटली ये सब दो चार ऐसे होम है। मैं एक बार दो चार गया है तो हम इसलिए नहीं जा रहे, तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। आप पहाड़ ये सब चढ़ो, यहाँ पर जाने की कोशिश मत करो, मगर हाँ आप लोगों के पास समय है, थोड़ी बहुत पैसा है तो भाई यहाँ पर जाओ, अच्छा है जगह। मगर हाँ अगर आप एक बार घुस चुके हो तो दो बार के लिए ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप अपने हिसाब से नहीं भी जा सकते हो। तो ये टोटली सुसुना पार्क है, तो और कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा, और टोटली घोड़ा ये सब अंदर रहेगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो अभी यहाँ पर से हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम भात खाने की मजा ले रहे हैं ठीक है। तो दोस्तों ये है सुसुनिया, और सुसुनिया को अभी बाय बाय कहने के समय आ चुकी है, और अभी हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर हम पहाड़ को चढ़े, पार्क में दिखाया, खाना भी खाए,
तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारी इस होराइजन रूट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऐसे ही बैंकुड़ के अंदर जितने भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट है मैं आपको दिखाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की जो ब्लॉग है यहाँ पर ही खत्म करते हैं। तब तक के लिए भाई घर पर ना, जय हिंद। चलिए भाई।